ये एनिमल्स शायद आपने नहीं देखे हों क्योंकि ये इंडिया में नहीं होते। इनका नाम है बीवर्स। बीवर्स अपने दांतों से पूरे का पूरा पेड़ काट कर गिरा सकते हैं। ऐसे ही 2007 में एक नेचुरल हैबिटेट की जब सैटेलाइट इमेज ली गई तो वहां पर एक 850 मीटर लंबा डैम दिखाई दिया। बाद में पता चला कि ये डैम इन बीवर्स ने बनाया है। अगर आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात की जाए, जब दुनिया में आइस एज चल रही थी, उस टाइम पर बीवर्स बहुत बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। इनका साइज इंसानों के साइज से भी काफी बड़ा होता था। माना जाता है कि बीवर्स अपने आप को एनवायरमेंट चेंज के साथ बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, और हो सकता है यही कारण रहा हो कि इनका साइज टाइम के साथ साथ छोटा होता गया। बीवर्स के जो दांत होते हैं ना, वो ऑरेंज कलर के होते हैं, और इसके पीछे का रीजन है कि इनके दांतों में आयरन होता है। अगर नॉर्मल रोडेंट की बात की जाए तो उनके दांतों के एनिमल में मैग्नीशियम होता है, लेकिन अगर बीवर्स की बात की जाए तो बीवर्स के दांतों में होता है आयरन, और इसी वजह से बीवर्स के दांत इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये पूरे के पूरे पेड़ को काट कर गिरा सकते हैं, और ये ऐसा करते भी हैं क्योंकि बीवर्स बनाते हैं डैम्स जो इनका घर होता है। ये डैम बनाने के लिए यूज करते हैं इन पेड़ की लकड़ियों का, जिन्हें ये अपने दांतों से काटते हैं, और चिकनी मिट्टी की हेल्प से ये बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं जिनमें ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बीवर्स की जो टेल होती है उसके नीचे होती है एक ग्लैंड जिसमें से एक स्लाइमी सा लिक्विड रिलीज होता रहता है। वो लिक्विड वनीला की स्मेल करता है, और FDA ने तो इसको नेचुरल फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट भी अप्रूव कर दिया है। बीवर्स अपनी टेल का मल्टीपल यूज करते हैं। बीवर्स की टेल लेदर टाइप की होती है। ये टेल 15 इंच तक लंबी हो जाती है। पानी के अंदर बीवर्स अपनी टेल को पानी के ऊपर स्लैप करते हैं ताकि ये दूसरे बीवर्स को बता सके कि आसपास खतरा है, और लैंड पर बीवर्स अपनी टेल का यूज करते हैं उस पर बैठने के लिए।